और आइए आपको सीधा ले चलते हैं जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 31 जनवरी 2024 का है, इसकी मैं दो पंक्तियां पढ़कर आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से यू टर्न मारा था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इन्होंने जो FIR किया था SC ST थाने में, उसमें लिखा है, मैं पहले वर्बटिम कोट अनकोट आपको पढ़ के सुना देता हूं, आई हैव कम टू नो फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स दैट द अबव मेंशन पर्सन, जो ईडी के अधिकारी थे, हैव लीक्ड सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन, यानी उन्होंने गलत जानकारी लीक की है, दैट द ब्लू BMW कार वॉज सीज फ्रॉम द प्रीमाइसेस एंड ह्यूज सम्स ऑफ इलीगल मनी बिलोंगिंग टू मी वॉज फाउंड एट सेड प्रीमाइसेस। यानी उन्होंने अपने FIR में कहा कि जो इन्हें मीडिया से ज्ञात हुआ है कि इनके जो कैंपस में, इनके जो घर से 36 लाख रुपए या जो बड़ी राशि बरामद हुई है, BMW कार का जिक्र था, BMW कार के बारे में तो दुनिया जानती है, मास्क उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो जो अवैध पैसा था, इन्होंने कहा कि हमारे जो घर से बरामद हुआ था, आई डू नॉट ओन एनी इलीगल कैश रिकवर्ड फ्रॉम माई हाउस। इनका साफ इस FIR में कहना था कि जो 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं, मैंने तो वो अंडरलाइन भी कर दिया, ये जो 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं मेरे घर से, ये मेरे नहीं है, ये अवैध जो पैसा बरामद हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हस्ताक्षर भी आप यहां देख सकते हैं, जो उन्होंने SC ST थाने में FIR किया था। वो FIR कितना सच था वो तो खैर कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन FIR में जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने हाई कोर्ट में कहा, बिल्कुल साहब यू टर्न, जैसे गाड़ी यू टर्न मारती है ना, ऐसे जा रही है फिर यू घूम गई, हेमंत जी बिल्कुल ऐसे ही यू घूम गए। अब मैं आपको हाई कोर्ट का वो दस्तावेज दिखाता हूं, ये WPCR नंबर 68 ऑफ 2024, ये केस में जो हेमंत सोरेन जी ने आवेदन दिया था उच्च न्यायालय में, बिल्कुल यू टर्न है इनका, बिल्कुल जो कथनी है ये बिल्कुल बदल गया। आपको याद होगा SC ST मामले में उन्होंने क्या कहा था, SC ST थाने में जो आवेदन दिया था, कहा था कि इस अवैध पैसे से साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो यह तक कहा था कि ये जो ईडी के अधिकारी है, उन्होंने एक आदिवासी को बदनाम करने के लिए नियत से इस तरीके की खबरें फैलाई हैं। और देखिए हमारे जहांपना का जो बयान था वो पैराग्राफ नंबर 108 जो उसी हाईकोर्ट में दायर पिटीशन, उसमें इन्होंने क्या कहा कि मेरे पेरेंट्स जो है वो उनकी उम्र हो गई है, बुजुर्ग हैं और वो बीमार रहते हैं और दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए मैं दिल्ली में कैश रखता हूं अपने घर में, सेट प्रीमाइसेस अपने घर में, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सके तो मैं उससे निपट सकूं। यानी साहब का जो यू टर्न था वो 5-7 दिन के अंदर ही यू टर्न मार दिया। पहले कहा जो अवैध पैसा बरामद हुआ उसे कोई लेना देना नहीं SC ST केस में, और जो हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट करके कहा, जो इन्होंने केस किया उसमें स्पष्ट कर दिया कि साहब ये जो पैसा था ये मेरे बुजुर्ग माता पिता के इलाज के लिए मैंने मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने दिल्ली आवास में रखा था। यानी इतना आपने रंग बदलते देखा है किसी को। वो यही नहीं रुके, सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है कि द पिटिशनर ऑल्सो केप सम कैश एट द सेम प्रीमाइसेस व्हिच इज रिसीव्ड एज डोनेशन बाय द झारखंड मुक्ति मोर्चा और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी खुद के साथ JMM को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा साहब ये पैसा मेरा नहीं था, ये तो JMM ने मुझे डोनेशन दिया था और मैं उस डोनेशन के पैसे को, दान के पैसे को मैंने अपने प्रीमाइसेस में रखे थे। तो ये इनके लाइज जो है, झूठ है, ये एक्सपोज हो गए। एक आप देखेंगे ये FIR, एक इस FIR की कॉपी में हेमंत सोरेन कहते हैं साहब हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं, हाई कोर्ट के इस आवेदन में कहते हैं साहब ये मेरा पैसा था, मैंने अपने माता पिता के इलाज के लिए रखा था और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे डोनेशन यानी दान के रूप में दिया था। यानी इतना यू टर्न उनका झूठ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झूठ, और उनके बोलने के बाद तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता थे
वो बिल्कुल रटे रटाए अंदाज में कह रहे थे साहब उनका पैसा नहीं था, ये ईडी ने प्लान किया, ईडी ने प्लान किया। तो मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं ये उनका पैसा था और वो उन्होंने इलाज के लिए रखा था, जो बहाने बनाए। और यही नहीं कहा कि डोनेशन में पैसा था। तो हम मांग करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, हम इनकम टैक्स से भी मांग करते हैं कि वो इस बात की जांच करें कि आखिर ये 36 लाख रुपए कैश जेएमएम ने अपने अकाउंट से कब विड्रॉ किया, कब इनको दिया, कब इन्होंने उसका रसीद दिया। आखिर दान का भी तो रसीद होता है। यानी आप जितना झूठ बोलेंगे ना उतने अपने बनाए दलदल में फंसते जाएंगे। तो हमारी ईडी से मांग है, इनकम टैक्स से मांग है कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो। ये ना सिर्फ एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर रहे बल्कि अदालत को गुमराह कर रहे हैं। या तो वो एससी एसटी केस में सही बता रहे थे या तो वो अदालत में सही बता रहे थे, या हो सकता है दोनों जगह झूठ बोल रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरे तरीके से जेएमएम एक्सपोज्ड है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्सपोज्ड है। 36 लाख रुपए का कोई मालिक ही नहीं था साहब, पहले कहा हमारा पैसा नहीं, बाद में कहा हमारे जेएमएम का दिया हुआ पैसा है। तो अब तो मैंने दस्तावेजों से सिद्ध कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झूठ एक्सपोज है लोगों के सामने। और अदालत भी इसी बुनियाद पे गए हैं, एससी एसटी का केस भी इसी बुनियाद पे किया है। तो ये फर्जी वाला नहीं तो क्या है। इस पूरे मामले में ईडीआई और इनकम टैक्स को जांच करनी चाहिए, खास करके उस ट्रांजेक्शन के बारे में जो 36 लाख रुपए इनको कब कैश निकाल के दिया गया। जी धन्यवाद। कोई प्रश्न? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।